पाकिस्तान में महंगाई अपने चरम पर है, अब टमाटर की कीमत भी आसमान छू रही है। भारत से व्यापार बंद करने के बाद बढ़ती हुई कीमतें पाकिस्तान के लिए चौगनी हो गई हैं। ईद मिलादुन नबी के मौके पर पाकिस्तान में टमाटर की कीमत 320 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। आखिर क्या हाल है पाकिस्तानी आवाम का और टमाटर की वजह से अब वो कौन सा विकल्प ढूंढ रहे हैं, दिखाते हैं आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्याज रुलाता है ये तो सब जानते हैं, पर पाकिस्तान में टमाटर ने आवाम की कमर तोड़ रखी है। टमाटर ने पाकिस्तान में हाहाकार मचा रखा है। टमाटर की कीमत आसमान छू रही है। ईद मिलादुन नबी के मौके पर तो टमाटर की कीमत 320 रुपए प्रति किलो जा पहुंची थी। आज भी पाकिस्तान में टमाटर 170 से 200 रुपए प्रति किलो के भाव पर बिक रहा है। टमाटर की कीमत बेतहाशा बढ़ने पर जहां लोगों को काफी परेशानी हो रही है, वहीं महिलाएं रसोई में टमाटर के विकल्प ढूंढने पर विचार कर रही हैं। टमाटर के दाम बढ़ने की वजह से स्थानीय दुकानदारों ने भी थोक बाजार से इसे खरीदना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से बाजारों में और मंदी छा गई है। पाकिस्तान के बावर्ची खाने में टमाटर के विकल्प के तौर पर योगर्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान में कई लोगों का कहना है कि जमाखोरी और मुनाफाखोरी की वजह से टमाटर के दाम बढ़े हुए हैं, लेकिन असल वजह ये है कि भारत के साथ व्यापार बंद करने की वजह से पाकिस्तान को इन जरूरी चीजों के लिए इतने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। कराची के थोक सब्जी विक्रेता एसोसिएशन का कहना है कि बलूचिस्तान से टमाटर कम आ रहे हैं, ईरान से आने वाला टमाटर भी नहीं पहुंच पा रहा है, काबुल से आने वाला टमाटर भी किसी कारण से रुका हुआ है, जिसकी वजह से समस्या और बढ़ गई है। पाकिस्तान की यह हालत पहली बार नहीं हुई है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने जब टमाटर के निर्यात पर रोक लगाया था, तब भी पाकिस्तान में टमाटरों के दामों में आग लग गई थी और कीमत 300 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई थी। महंगाई के मामले में पाकिस्तान जहां अगस्त के महीने में खड़ा था, आज भी वहीं खड़ा है। पाकिस्तान में टमाटर के साथ कपास, दवाइयों पर भी महंगाई की गाज गिरी हुई है। इनके रेट भी आसमान छू रहे हैं। आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान ने जोश में आकर भारत के साथ अपने सारे व्यापारिक संबंध खत्म कर लिए थे, लेकिन बहुत जल्द उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब देखना यह है कि पाकिस्तान के जोश को ठंडा होने में कितना समय लगता है और उसके जोश के ठंडा होने तक आम पाकिस्तानी को क्या हाल होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।